हेलो, आज हम लोग प्रकाशिक तंतु के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं इसको, तो ये उसके बारे में लिखा है। ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है जो अपने एक सिरे से प्रवेश करने वाले प्रकाश को बिना हानि के दूसरे सिरे तक पहुंचा देती है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा के दूर तक भेजती है। अब यहाँ पर ये इसकी भौतिक संरचना को दिखाया गया है। इसमें बारीक तार जैसे होते हैं, पतले उस तरह की कांच या क्वार्ट्स की बनी हुई बेलनाकार एक तार होता है, जिसके मध्य भाग को यहाँ पर ये जो बना हुआ है उसको कोर या कोड कहते हैं। इसके ऊपर एक पतली परत चढ़ी होती है दूसरे किसी पारदर्शी पदार्थ की, जिसको क्लैडिंग कहा जाता है। इसको यहाँ पर मोड़ कर बनाया गया है, मतलब इस ऑप्टिकल फाइबर को मोड़ भी सकते हैं हम, किसी भी एंगल पर मोड़ सकते हैं। तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं। और यहाँ पर ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को दिखाया गया है। यहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है, यहाँ पर ये जो कोण है वो क्रिटिकल कोण से अधिक होता है क्रांतिक कोण से, तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस प्रकार कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात यहाँ से प्रकाश किरण बाहर निकल आती है। अब इसको समझिए संरचना या रचना। तो रचना में लिख दिया जाता है, प्रकाशिक तंतु कांच या क्वार्ट से बनी बेलनाकार धागे नुमा संरचना होती है। इसके मध्य भाग को कोर या क्रोड कहते हैं, जिसका व्यास माइक्रोन कोटि का होता है। माइक्रोन कोटि माने 10^-6, बहुत पर बारीक होता है। इसके ऊपर दूसरे पारदर्शी पदार्थ लिख सकते हो यहाँ पर, कि एक पर चढ़ी होती है जिसे क्लैडिंग कहते हैं। तो ये जो लाइनिंग वाली है ये परत क्लैडिंग कहलाती है, ये क्लैडिंग है। और ये बीच वाली परत ये कांच या क्वार्ट्स की बनी होती है, कोर होता है। ये जो क्लैडिंग होता है इसका अपवर्तनांक किस कोर के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम होता है, यानी कम अपवर्तनांक वाले पारदर्शी पदार्थ की ये क्लैडिंग की जाती है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। अब पढ़ते हैं लोग, प्रकाश का संचरण किस प्रकार से, इससे प्रकाश एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचता है। तो जब प्रकाश किरण तंतु के एक सिरे से क्रोड में इस प्रकार प्रवेश करती है कि कोर व क्लैडिंग के अंतरापृष्ठ पर, यहाँ पर ये अंतरापृष्ठ कहलाता है, ये जो बना हुआ है अंतरापृष्ठ है, इस जगह ये अंतरापृष्ठ, यहाँ पर भी, और ये तो अंतरापृष्ठ पर जब आपतन कोण आई, ये जो बना हुआ है ये आपतन कोण आई है, क्रांतिक कोण सी से अधिक होता है। क्रांतिक कोण इनका इसके और इसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है क्रांतिक कोण, तो उस पर उससे जब अधिक होता है, क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर आगे बढ़ती हुई दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार ये दूसरे सिरे से किरण यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो ये है इस ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण। ये प्रकाशिक तंतु के ऑप्टिकल फाइबर के अनुप्रयोग या उपयोग क्या क्या हैं, तो वो समझ लीजिए। तो पहले ये जानिए कि कई प्रकाशिक तंतुओं को, यानी कई जो तार होते हैं पतले पतले, उनको एक बेलनाकार रबर के खोल में रख दिया जाता है, जिसे प्रकाश नली कहते हैं, केबल भी कहा जाता है केबल। इसका उपयोग इस प्रकार करते हैं, किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बहुत दूर तक भेजने में इसका उपयोग किया जाता है। ये जो प्रकाश नली होती है जिसमें तंतु रखे होते हैं, बहुत लचकदार होती है और इसे किसी भी कोण पर मोड़ा जा सकता है। अतः इसको किसी भी स्थान तक जहाँ कोई बड़ा यंत्र नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर इसको भेजा जा सकता है। तो चिकित्सा विज्ञान में शरीर के किसी जटिल भाग का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। ये तो उस भाग पर प्रकाश डाला जाता है और ऑप्टिकल फाइबर को वहाँ पहुँचा देते हैं, तो वह उस भाग से परावर्तित प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर वाली नली से होता हुआ बाहर आ जाता है, तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है उस पार्ट का। इस विधि को कहते हैं एंडोस्कोपी, इसे एंडोस्कोपी कहा जाता है।
दूसरा है उपयोग, वैद्युत सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में इसका उपयोग किया जाता है, और किसी विशेष युक्ति से इन सिग्नलों को प्रकाश तरंगों में बदल लिया जाता है तो प्रतिबिंब फिर से प्राप्त हो जाता है। तो पहले प्रतिबिंब के से परावर्तित प्रकाश तरंगों को वैद्युत सिग्नल में बदलते हैं, फिर उन वैद्युत सिग्नलों को ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, और फिर वहां पर फिर से उन वैद्युत सिग्नलों को प्रकाश तरंगों में बदल लिया जाता है। सबसे अधिक उपयोग तीसरा है, इनका उपयोग सबसे अधिक संचार व्यवस्था में किया जाता है, बहुत ज़्यादा उपयोग संचार व्यवस्था में किया जाता है। एक साथ कई सूचनाएं इनके द्वारा भेजी जा सकती हैं। तो ये है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानकारी।